अभी खोली, हम तो आपको इतनी देर से ढूंढ रहे थे। मेरे बेटे मैं दे रही हूं, मैं भी आके खाना। कितने की एक प्लेट? इसका 150 रुपए पाव है। 150 रुपए पाव कितना होता है? पाव 250 ग्राम। वो कितने होते हैं? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, Ayat with you and welcome to another vlog. So, आज हमने कहा हमेशा हम अगर कुछ भी खाते थे तो हमेशा हम इसका जैसे होटलिंग हो गई इस तरह के फूड ट्राई करते थे। तो आज मैंने कहा आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई कर लें। तो आज हम आए हैं अंकल के पास क्योंकि हम हमेशा इनके गोलगप्पे खाते थे। बाबा भी हमें इन्हीं से सब खिलाते थे क्योंकि बहुत साफ सुथरा होता है। तो अभी इन्होंने रेडी लगाई है। अस्सलामुअलैकुम अंकल। अंकल आपने अभी खोली, हम तो आपको इतनी देर से ढूंढ रहे थे। बेटे मैं दे रही हूं, मैं भी आके खड़ा हूं बेटे। अच्छा तो खुल गई है रेडी? जी बेटे। कितनी प्लेट? जी बेटे कितनी प्लेट बनानी है? आप ऐसा करें जी मेरे बेटे, एक मीठे की कर दें, एक मीठे की और एक दूसरी कर दें। एक मीठे एक खट्टी? हाँ जी। मेरे बेटे पानी मीठा होगा खट्टा होगा? पानी मीठ खट्टे वाले में आप पानी मीठा दे दीजिएगा, मीठे वाले में खट्टा दे दीजिएगा। तो ये सबसे पहले हमारी ये आ चुकी है खट्टी प्लेट। पहले हम इसे बगैर पानी के टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसी है। बहुत मजेदार है। नेक्स्ट हमारी आ चुकी है मीठी प्लेट, तब हम इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है। मजेदार। चलो लो मेरे बेटे। बहुत मजा आया अंकल, बहुत मजेदार। मैंने मेरे बेटे की इंशाल्लाह चलो आ गया कि बाकी हम उन्हें बता देंगे कि रीमा खान में बड़े अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं, जरूर आए यहाँ पे। पानी और ना मीठा या खट्टा लेके आऊं? बस बस थोड़ा ले लो। हम आ चुके हैं यहाँ शकरकंदी लेने क्योंकि हम काफी टाइम हो गया ये खाए हुए। अस्सलामुअलैकुम अंकल। तो यहाँ पे हम पहले कभी नहीं आए हुए तो इसलिए हम यहाँ पे आए शकरकंदी लेने। तो कितने की एक प्लेट? 150 रुपए पाव है। 150 रुपए पाव कितना होता है? पाव 250 ग्राम का। वो कितने होते हैं? किलो होता है 1000 ग्राम का, 250 ग्राम यानी होता है। चलें फिर आप ना एक प्लेट कर दें। अभी हमने एक प्लेट करवाई है 150 ग्राम की। सबसे पहले तो इसे मतलब बनाएंगे 150 ग्राम, ये उन्होंने डाली हुई है। तो
यहाँ पे बहुत से जा सकते हैं, जैसे वो आप देख सकते हैं ये है ड्राई फ्रूट की शॉप है, और वहाँ पे ये फ्रूट्स की शॉप भी है। ये अंकल ने कटिंग करनी शुरू कर दी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सफाई है, बट सिर्फ एक चीज़ की कमी है, ग्लव्स की। उससे मज़ीद सफाई हो सकती है, और मुँह में पानी भी आना शुरू हो गया जैसे जैसे कटिंग हो रही है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है शकरकंदी खाने का। वैसे तो काफ़ी दफ़ा सुना हुआ है, बट खाना है पहली दफ़ा। हाँ जी, खूब मसाला डालें, खट्टी इमली डाल दें काफ़ी सारी। डालें डालें, अच्छे और मज़ेदार होंगे ना। शकरकंदी से ज़्यादा तो उसके ऊपर मसाला जात इस्तेमाल हो रहे हैं, और आखिर में बारी है खट्टे खट्टे कीनों की। अब तो गला ख़राब हुआ ही हुआ। और यहाँ में उन्होंने पहले टूथपिक रखी है ये शकरकंदी के लिए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक मिनट, ये कितने पैसे हो गए? 150 आपको दे। अभी ये 150 रुपए की हमने शकरकंदी ले लिया, तो ये ले अंकल। शकरकंदी ले ली, चलो 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 चलो। तो अभी आ चुकी है हमारी शकरकंदी। अंकल के मुताबिक तो इससे शकरकंदी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये तो खा के पता चलेगा। अभी ये टेस्ट करते हैं, दिखने में तो बहुत मज़ेदार लग रही है, खा के पता चलेगा। तो अब भी स्ट्रीट फूड खाने के बाद आज मैं थोड़ा गला भी ख़राब है। मम्मा अगर आप ये देख रही हैं तो सॉरी, आपने तो खट्टी चीज़ों से मना किया था बट फिर भी खा ली। तो अभी हम जा रहे हैं कैश एंड कैरी। यहाँ पे आप ही ने भी कुछ सामान लेना था, मैं भी कुछ ले ही लूँगी। यहाँ पे मैं पहले भी आई हूँ, शायद आप लोगों को याद हो, ग्रॉसरी जो नहीं थी। अंकल ओरिजिनल उनो आ गई है, ओरिजिनल उनो स्टॉक खोल रहा है ना, तो पता चल जाएगा अभी। और बीस हैं, और बीस वो जो बॉल होती है छोटी सी, पानी में डाल के बड़ी हो जाती है। अच्छा, ये मैं चौथी दफ़ा आई हूँ। जैसे ही ओरिजिनल उनो आती है, या तो बिक जाती है या तो आती नहीं है। अभी एक और ज़रूरी चीज़ रह गई थी, मैंने अलार्म क्लॉक का सेल लेना था। मेरा अलार्म क्लॉक ही बंद हो गया, मतलब बीच में बंद हो जाते। तो अभी हम ये लेते हैं। तो ये वाले सेल्स है मेरा ख्याल, ये वाले लगेंगे। तो सैटरडे संडे आ रहा है, तो उसके लिए कुछ चिप्स वगैरह भी लेनी थी। ओ ये कुरकुरे का जो न्यू आया ये ले लेते हैं। क्या थिंक से वही है, तो पानी बस इसका कलर चेंज हुआ है। वैसा करते हैं, ये ले लेते हैं। ये लेस का हम पेपरिका ले लेते हैं, और ये चीटोस के दो पफ ले लेते हैं। अभी हमने तीन ले लिया, ये आप लोग जाके दिखाते हैं। अभी ये चिल मौका ले लूँ मैं। देखा मैं, इसकी बाप भी कितनी अच्छी है, मुझे हर चीज़ लेने देती है। तो वैसे सर नॉर्मल ये आप परमिशन नहीं देती, आज पता नहीं किस तरह देती है आप। अभी इनका बिल करवाते हैं। और नेक्स्ट ये वाला सेल लेना था अलार्म क्लॉक के लिए, तो ये भी ले लेते हैं। यही लगते हैं आप अलार्म क्लॉक में? नहीं, जिससे छोटा नहीं, नहीं
सेम साइज है, यही हो गया। लास्ट ईयर मैंने बहुत बड़े वाले ले लिए थे जो ये फाइनली रीच होम। तो आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस से अपनी एंडिंग नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा आज हम अपनी एंडिंग कर देते हैं। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कॉमेंट, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सी इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ओम सूरत अन्नस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.